बिहार में 63% है ओबीसी की आबादी। बिहार जाति जनगणना की रिपोर्ट में खुलासा, कौन है वो राज्य जहां 50% से ज्यादा है ओबीसी की आबादी। बिहार में जाति जनगणना की रिपोर्ट के बाद ओबीसी आबादी पर चर्चा तेज है। वजह यह है कि इस जनगणना के हिसाब से बिहार में 63% आबादी ओबीसी की रहती है। इसे काफी बड़ा आंकड़ा माना जा रहा है और है भी। ऐसे में राजनीति के हिसाब से अब हर पार्टी ओबीसी वर्ग को टारगेट करेगी, इस वर्ग के वोटर को अपने पाले में करना चाहेगी। हालांकि बिहार ने जाति जनगणना तो करवा लिया, लेकिन देश के तकरीबन सभी राज्य इस काम को नहीं करवा पाए हैं, ताकि ये पता चल सके कि किस राज्य में कितनी फीसदी जातियां निवास करती हैं। फिर भी एक राज्य ऐसा है जहां ओबीसी की आबादी 50% से ज़्यादा है। हालांकि ये आंकड़े ताज़ा तो नहीं है, ये आंकड़े आज से 20 साल पहले के हैं। ऐसे में अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो शायद उस राज्य की ओबीसी आबादी बिहार से भी ज़्यादा निकले। उस राज्य का नाम उत्तर प्रदेश है। यूपी की जाति जनगणना से संबंधित ये आंकड़े 2001 के हैं। दरअसल 1931 की जनगणना के बाद ओबीसी आबादी के जातिवार विभाजित आंकड़ों का कोई प्रमाणित डेटा नहीं था, इसलिए यूपी के तत्कालीन संसदीय मामलों के मंत्री हुकुम सिंह ने 2001 में एक समिति बनाई थी। इसी समिति ने उस वक्त जाति जनगणना की थी। तब यूपी में 79 ओबीसी आबादी के आधार पर 7.5 करोड़ की गणना की गई थी। वहीं उस वक्त यूपी की कुल आबादी तकरीबन 16.5 करोड़ थी। ऐसे में उस वक्त यूपी में 54% से ज़्यादा भी ओबीसी आबादी निवास करती थी। गौरतलब है कि हुकुम सिंह समिति ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के बाद ओबीसी को 27% रिजर्वेशन पर केंद्रित किया था। इस बारे में लखनऊ के एक प्रोफेसर का कहना है कि मंडल आयोग और हुकुम सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर बताया गया था कि यूपी में ओबीसी की आबादी 50% से ज़्यादा होने की संभावना है। ऐसे में अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो हुकुम सिंह समिति की रिपोर्ट के हिसाब से अब अगर 22 साल बाद का हिसाब लगाया जाए तो यूपी में रहने वाले ओबीसी वर्ग के लोगों की संख्या काफ़ी हद तक बढ़ी होगी। हालांकि पुख्ते रूप से ये कहा नहीं जा सकता कि अब यूपी में ओबीसी की आबादी कितनी होगी। ऐसे ही बिहार और यूपी के बाद कुछ और भी ऐसे राज्य होंगे जहां ओबीसी वर्ग की आबादी काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। वहीं अगर पूरे भारत के लिए बात की जाए तो देश के कई लोग जाति जनगणना के पक्ष में हैं, ताकि ये पता चल सके कि भारत में किस जाति की कितनी आबादी कहां कहां निवास करती हैं। शायद यही वजह है कि विपक्षी पार्टियां केंद्र सरकार से जाति जनगणना करवाने की मांग तेजी से कर रही हैं। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।